हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने न्यू फाइव स्टडी पे चैनल पे कार्बन एट्स कंपाउंड्स के पार्ट टू को लेकर ठीक है इसको और भी बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे देखिए थोड़ा तो रात है तो बहुत ही रात हो चुकी है ठीक है लगभग बारह बज रही है ठीक है तो थोड़ा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा नींद वींद आएगा तो देख लेंगे क्या होगा चलो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को नाउ लेट स्टार्ट हम लोग आज कैटेनेशन टेट्रावेलेंसी कार्बन के कितने-कितने फॉर्मेशन -कितने होते हैं कार्बन कैसे-कैसे चेन बनाता है वो सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उससे पहले आज का मोटिवेशन क्या है वो देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन क्या है ठीक है कह रहा है कि द द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स अगर आपको सक्सेस चाहिए ठीक है तो अपने फोकस करिए गोल पे सिर्फ किस पे फोकस करिए गोल्स पे न कि ऑब्स्टेकल पे क्या मतलब इसका द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल कहने के कि मतलब जब हम लोग कोई भी काम अपने एग्जाम के प्रिपरेशन करते रहते हैं या फिर एग्ज़ाम का मैंने टाइम नज़दीक आ जाता है तो हम लोग के पास बहुत सारे काम लगभग आ जाते हैं ठीक है लगता है कि बहुत ही काम है और पढ़ाई भी है जैसे मान लिया कि मम्मी का आटा पिसाना है ठीक है आ, थोड़ा आलू छोंक देना है थोड़ा मटर छील देना है है ना ये सब भी लगता है कि नहीं मतलब कि बहुत ही काम ऐसा लग रहा है ठीक है लेकिन हम लोग ये सब बहाने हैं ठीक है कि हम पढ़ नहीं पा रहे ऐसे हैं बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वो सब हम ऑब्स्टिकल्स तुम खुद से बना रहे हो अपने आप का अगर तुमको गोल अगर हासिल करना है अगर तुमको अच्छे नंबरों से पास करना है एग्ज़ाम में एकदम नाइन्टी फाइव प्लस लाना है तो उसके लिए आपको अपने फोकस करना पड़ेगा ओनली ऑन गोल पे, ना कि बहानों पे। ओके तो बहानों को साइड में रखिए और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैटनेशन के, के बारे में कैटनेशन क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं कैटनेशन के बारे में कैटनेशन क्या है कैटनेशन इज द एबिलिटी कहने का क्या मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैटनेशन इज द एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कैटनेशन एक ऐसा प्रोसेस है एक ऐसा एबिलिटी है कार्बन के पास जो कार्बन है जो अपना एक क्या बना सकता है लॉन्ग चेन बना सकता है क्या बना सकता है लॉन्ग चेन जैसे देखिए नीचे में कार्बन है जो लॉन्ग चेन बनाता है जब कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है तो इस एबिलिटी को ही कैटिनेशन कहते हैं ठीक है इनफैक्ट कार्बन एटम्स आर द यूनिक बिकॉज कैटिनेशन कार्बन एटम जो है सभी टेबल में से यूनिक क्यों है क्योंकि इसमें कैटिनेशन करने की प्रोसेस होता है ताकत होती है दे आर यूनिक अमंग ऑल अदर कम एटम्स ऑफ द नेचर ये सभी एटम नेचर में जो पाए जाते हैं उन सभी से बिल्कुल अलग है यूनिक है एकदम नाउ कार्बन चेन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज दे आर दे फॉर्म बॉन्ड्स एंड टेट्रावेल्ट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स ये टेट्रावेलेंट क्या है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है देखिये टेट्रावेलसी का मीनिंग क्या होता है टेट्रावेल्ट अगर हम टेट्रावेलेंट को समझने की कोशिश करें तो टेट्रा वेलेंट ठीक है ऐसे कंपाउंडस या फिर ऐसा एलिमेंट ठीक है जिसका टेट्रा का अगर मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो चार होता है टेट्रा का मीनिंग क्या होता है चार होता है और वैलेंसी का मतलब तो जानते ही हैं ऐसे एलिमेंट जिसका वैलेंसी अगर चार हो तो उस टाइप के एलिमेंट्स को ही हम लोग टेट्रा वेलेंट एनिमल एलिमेंट कहते हैं ठीक है उसी में से कार्बन भी आता है कार्बन का भी वैलेंसी कितना होता है चार होता है आप लोग उनको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझ लेते हैं कार्बन के बारे में थोड़ा सा ठीक है फटाफट समझ लेते हैं देखिए क्या है कार्बन का आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिक्स होता है एटॉमिक नंबर ठीक है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेग्रेशन निकालें तो टू और कितना होता है फोर होता है यानी कि अगर अपना अगर इसको ऑक्टेन को पूरा करना है ठीक है तो इसको चार एटम और या तो लेना पड़ेगा सॉरी चार इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा या फिर चार इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा लॉस करना पड़ेगा या तो वो गेन कर ले या फिर लॉस कर ले है ना या तो वो गेन करे या फिर लॉस करे ठीक है यानी कि इसका वैलेंसी जो लॉस और गेन करने करना ही इसका क्या कहलाता है कहलाता है लॉस या गेन करना ही क्या कहलाता है वैलेंसी कहलाता है यानी कि कार्बन का वैलेंसी कितना चार है ठीक है इसी कारण इसको है जो टेट्रा वैलेंट कहा जा रहा है क्लियर आगे बढ़ते हैं अब देखिए इस चीज को समझ लीजिए इस चीज को समझिए ठीक है कार्बन की तरह ये क्या एक और एलिमेंट है जो क्या बोलता है इस तरह का प्रोसेस करता है कैटनेशन जैसे सिल्कन सिल्कन कैन मेक अ लॉन्ग चेन विथ इट्स कंपाउंड्स सिल्कन भी क्या करता है ना सिंगल बाउंड के साथ एक लॉन्ग चेन बनाता है अपने कंपाउंड्स सब साथ क्या आपको बनाता है सिंगल बाउंड के साथ लंबा चेन बना सकता है जैसे कार्बन कैसे बना रहा था कैसे कार्बन है जो क्या बोलता है सी 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 इस तरह इस, इस तरीके से बना रहा था है ना उसी तरीके से सिल्कन में भी ये टेंडेंसी होता है चेन टिपिकली कंटेन ओ एस आई ओ ऑक्सीजन सिल्कन ऑक्सीजन सिल्कन टाइप लिंक्स रैदर देन द एस आई एस आई ठीक है बॉन्ड्स कहने का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करता है ऑक्सीजन के साथ अगर आपको इसको बॉन्ड बनाना है तो ये बीच में ऑक्सीजन को लेता है क्या लेता है देखिए यहां पे बीच में ऑक्सीजन को ले रहा है बीच में ले लिया न कि इस तरीके से इस तरीके से ये नहीं लेता है ऑक्सीजन को ठीक है इस तरीके से वो ज्यादा स्ट्रांग बनाता है इज दैट क्लियर आगे बढ़ते हैं देखिए अभी हम लोगों ने कैटिनेशन प्रोसेस को समझ रहे थे तो कैटिनेशन प्रोसेस में क्या था जब कार्बन है जो आपस में क्या कर रहा था कार्बन कार्बन क्या कर रहा है लॉन्ग चेन बना रहा है देखिए यहां पे एक कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है कार्बन 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 ये क्या कर रहा है एकदम जुटते जा रहा है जुटते जा रहा है एक लाइन लीनियर चेन बना दिया क्या बना दिया लाइन से चेन बना दिया ठीक है यहाँ पे देखिए कार्बन ब्रांच्ड चेन बना रहा है देखिए सीधा तो गया है लेकिन ऊपर में भी थोड़ा सा निकल गया नीचे में भी जुट गया नीचे में भी जुट गया ये कैसे चेन बना रहा है ब्रांच्ड चेन बना रहा है देखिए रिंग चेन कैसे बना रहा है यहाँ पे भी एक कार्बन है यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है ये क्या कर रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ चेन बना रहा है यहाँ पे भी देखिए सिंगल बॉन्ड्स के साथ सिक्स कार्बन से जो चेन बना रहा है सॉरी फाइव कार्बन यहाँ पे भी देखिए सिक्स कार्बन है जो क्या कर रहा है चेन बना रहा है तो ये क्या था कैटेनेशन ऑफ कार्बन क्लियर यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं अगर हम कैटेनेशन की बात करें ठीक है तो कैटेनेशन लगभग दो टाइप से होते हैं कितने टाइप्स के हो? से कैटेनेशन प्रोसेस कंडक्ट होते हैं दिखाते हैं हम आपको जो कैटेनेशन है कैटेनेशन कैटेनेशन दो टाइप से होते हैं ठीक है कैटेनेशन पहला तो है सिंगल बॉन्ड्स के साथ जब एक बॉन्ड के साथ जब कार्बन जुट जाते हैं ठीक है हाइड्रोजन के साथ तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है ठीक है या तो वो डबल बाउंड के साथ डबल ये पेंसिल नहीं रहा है या फिर ट्रिपल बाउंड के साथ डबल बॉन्ड इस तरीके से जुटेगा ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से जुटेगा सिंगल बॉन्ड इस तरीके से जुटेगा ठीक है तो कैटनेशन का वो प्रोसेस जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है पेन चेंज कर लेता हूं जब कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सैचुरेटेड और जब कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बना ले या फिर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनावे ठीक है

कार्बन एंड हाइड्रोजन वो सिर्फ और सिर्फ या तो कार्बन और हाइड्रोजन ही रहते हैं क्या रहते हैं उसका जो कॉन्स्टुन्ट्स है वो क्या होते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं क्लियर है देखिए पे कार्बन है जो क्या कर रहा था चेन बना रहा था ठीक है अब यहाँ पे ये जो सिंगल के साथ है जो हाइड्रोजन और कार्बन जुट रहा है तो सेचुरेटेड है हाइड्रोजन और कार्बन जुट रहा है तो क्या है सेचुरेटेड है ठीक है लगता है पेन सही से काम नहीं कर रहा है चलिए कोशिश करते हैं इज दैट क्लियर ठीक है आगे बढ़ते हैं के हाइड्रोकार्स क्या है कि जब कार्बन के एटम, जब या तो दो दो बॉन्ड्स के साथ कम आ, क्या बोलता है जुट जाए या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन तो नहीं जुट सकता ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन का तो सिंगल वैलेंस ही होता है ठीक है तो हम समझ लेते हैं अभी ऐसे ही समझिए ठीक है कि जब हाइड्रोजन जो है तीन डबल के साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ ठीक है तो वो कैटनी क्या बोलता है अनसेचुरेटेड कर लाएगा अगर हाइड्रोजन जो है तीन बॉन्ड के साथ है जो क्या बोलता है हाईडू से जो कंपाउंड बनाता है ठीक है तो हम उसको अनसेचुरेटेड कहेंगे ठीक है यहाँ पे देखिए फिगर देख दिया हुआ है कहने का मतलब अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुट रहा है तो उसको सेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे अगर कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ जुट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड ट्रिपल बाउंड के साथ जुड़ रहा है तो वो क्या बोलेंगे अनसेचुरेटेड देखिए वहां पे मैंने हाइड्रोजन को इसलिए नहीं जोड़ा था क्योंकि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है एक होता है ठीक है और कार्बन का हाइड्रोजन है जो कार्बन एक ही लेगा कैसे दिखाते हैं हम आपको कहने का क्या मतलब है कार्बन का जो वैलेंसी कितना है चार है यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा चार इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा यहां पे एक ले सकता है यहां पे एक ले सकता है यहां पे एक ले सकता है और यहां, यहां पे ले सकता है यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी है एक दो तीन और फोर इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी है अब अगर हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में होता है तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ना शेयर करेगा ठीक है तो यहाँ पे एक ही ना बनाएगा हाइड्रोजन और कार्बन मिलके कितना बॉन्ड बनाएगा सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रखिए एक ही बॉन्ड बनाएगा बेचारा यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रखिए यानी कि वो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता है वो जो है डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता ये रबर बड़ा कर लेता हूँ ठीक है हाइड्रोजन जो है डबल बाउंड बना ही नहीं सकता क्यों क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना इसलिए उसके पास टेंडेंसी ही ऐसा होता है ठीक है कि वो क्या कर सके सिंगल बाउंड का ही वो निर्माण कर सके यहाँ इधर से इधर से और ये इधर से ठीक है इसलिए वहां पे मैं समझा रहा था उसको आगे देखते हैं ठीक है टेट्रा वैलेंसी का मीनिंग क्या है इसको बात को समझिए टेट्रा वेलेंट का मीनिंग मैं समझा चुका हूँ ठीक है जब चार कार्बन का एटम जो है मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास जो चार कंपाउंड सॉरी चार गो है जो जिसका वैलेंसी हो किसी एलिमेंट का उसी को हम लोग वैलेंट एलिमेंट कहते हैं ठीक है देखते हैं कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ द फोर इट इज अ कैपेबल ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द फोर अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और द एटम्स ऑफ द सम अदर मोनोवेलेंट ऐटम्स कहने का मतलब है कार्बन जब चार चार अनदर एलिमेंट्स के साथ जुटता है ठीक है तो इस टाइप की टेंडेंसी को टेट्रावेलेंसी टेंडेंसी भी कहते हैं ठीक है कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन कहने का मतलब वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ भी सल्फर के साथ भी और क्लोरिन के साथ भी ठीक है एंड अदर एलिमेंट्स गिविंग The the okay, ट्रावेंसी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अब देखिये यहां पर क्या लिखा हुआ द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल कहने का मतलब है कार्बन जब अदर एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है जिसके कारण वो एक्सेप्शनली क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रांग बॉन्ड्स बाय द कार्बन इज अ स्मॉल इट्स अ स्मॉल साइज कहने का मतलब है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि स्मॉल साइज का होता है अगर आप छोटा देखिए हम आपको समझाना चाहते हैं अगर आप ये छोटा सा लकड़ी लीजिए ठीक है अगर आप इस एक छोटा सा लकड़ी लेते हैं और एक बड़ा सा लकड़ी लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आसान तोड़ने में कौन होगा ये वाला तोड़ने में आसान होगा यानी कि ये वीकर है ये कैसा है वीक है और इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ठीक है यानी ये स्ट्रांग है क्या है स्ट्रांग है यही मैं समझाना चाह रहा हूँ और ये बुक भी समझाना यही चाह रहा है ठीक है कि अगर क्या बोलता है कार्बन का माने एटम का साइज अगर छोटा है तो न्यूक्लियस क्या किया रहेगा नजदीक से उसको खींच ले रहेगा ठीक है और वही क्या बोलता है एटम का साइज अगर बड़ा है तो न्यूक्लियस उसको दूर तक ना खींचेगा माने दूर से उसको खींचना पड़ेगा जिसके कारण देखिए यहाँ पे जो वीकर्स वीकर, वीकर बॉन्ड्स बन जा रहा है देखिए यहां पे जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जा रहा है इज दैट क्लियर ठीक है तो जितना ही न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन्स uh, उतना ही वो क्या बनाएगा वीक बॉन्ड बनाएगा कैसा बनाएगा वीक बॉन्ड बनाएगा और जितना ही क्या बोलता है न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस जो है क्या बोलता है uh, uh, से नजदीक रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा इज दैट क्लियर ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है दिस दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड्स ऑन इट्स सेरेड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाई द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग बिगर आइटम्स आर मच वीकर देखिए थोड़ा आवाज तो क्लियर नहीं आ रहा है बहुत ही रात हो गया ठीक है आवाज तो बैठ रहा है फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आज ये चैप्टर खत्म ही करके सोए ठीक है नाउ लेट्स मूव अब देखिए क्या लिखा हुआ है यू विल सी दैट यू यू विल सी दैट द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सैटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम कहने का क्या मतलब है कि वो वही बात कह रहा है कि यू विल सी आपने देखा कि बैलेंसिस ऑफ द ऑल एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल एटम्स सिंगल बॉन्ड सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड द दैचूरेटेड कंपाउंड्स मैंने वही बताया जब कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के साथ ही जब सेटिस्फाई हो ही जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेचूरेटेड कंपाउंड्स और ये जानते हैं नॉर्मली रिएक्टिव होता ही नहीं है ये जो है रिएक्टिव नहीं होता यहाँ पे कट गया था दिखा देता हूँ नॉर्मली नॉट रिएक्टिव सेचूरेटेड कंपाउंड्स अरे ये क्या हो गया सेचूरेटेड कंपाउंड नॉर्मली नॉट रिएक्टिव सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं रिएक्टिव नहीं होते हैं ठीक है अनसेचुरेटेड की बात करें सच कम्पाउंड ऑफ द कार्बन हैविंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज द अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मैंने अभी समझाया कि जब क्या बोलता है डबल आइटम डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है वो अनसेचुरेटेड होता है देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है तो डबल बॉन्ड बनाया ना पीछे वाला स्ट्रक्चर में भी देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है ये दो को दिख रहा है मतलब पेयर बना रहा है ठीक है एक पेयर के साथ है जो एक बॉन्ड बनाता है याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे दो पेयर है यानी चार है तो यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा है ठीक है और क्या होते हैं अनसे अनसे दे आर मोर रिएक्टिव देन द रिएक्टिवेटेड कंपाउंड इज दैट क्लियर आगे बढ़ते हैं अब देखिए आइसोमर्स क्या है आइसोमर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं देखिए यहाँ पे लिखा है वी वी यू सी दैट द बोथ both these structures have the same formula. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. ठीक है? समझते हैं इस बात को. देखिए, कहने का मतलब formula तो दोनों का same होगा. कहने का मतलब है formula तो C four H ten है ये दोनों का. C four H ten. C four H टेन ठीक है लेकिन देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या चार है तो देख लेते हैं एक दो तीन चार ठीक है हाइड्रोजन की संख्या कितना है टेन है तो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है ना टेन हाइड्रोजन है इसमें भी देखिए कार्बन की संख्या चार है तो इसमें भी वन टू थ्री फोर फोर कार्बन से हाइड्रोजन टेन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अब देखिए दोनों का आइडेंटिकल फॉर्म मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम दिख रहा है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या दिख रहा है डिफरेंट दिख रहा है तो जब फॉर्मूला सेम दिखे और स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखे तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं इज दैट क्लियर ये बात यहाँ पे लिखी हुई है क्लियर आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहां पे देखिए साइक्लोहेक्सेन क्या है साइक्लो साइकिल का मतलब हो गया गोल और हेक्सोन का मतलब हो गया जब छः कार्बन साइकिल की तरह बना देगा क्या बना देगा जब छः कार्बन साइकिल की तरह एकदम जुटेगा ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कैसे ये फॉर्मूला से हम लोग समझने की कोशिश करो रिंग लाइक है जो कार्बन के जो एटम है रिंग लाइक स्ट्रक्चर से वो जुड़ जाते हैं दिखाते हैं मैं आपको जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ए वन कार्बन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कार्बन जो जो क्या कैसे बना रहा है सर्कल जैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है ठीक है और ये इस इसी टाइप के जब कार्बन सिक्स कार्बन आपस में जुट के एक सर्कल बनाते हैं ठीक है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं ठीक है देखिए यहां पे कार्बन कार्बन का टेंडेंसी कितना होता है चार बॉन्ड्स बनाने का एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड यहाँ पे बना लिया फिर देखिए एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड बना लिया फिर देखिए एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड हर जगह देखें तो वो चार बॉन्ड बनाता ही बनाता है कार्बन ठीक है क्योंकि उसको चार घर पूरा करना है इज दैट क्लियर आगे देखिए यहाँ पे बेंजिन का स्ट्रक्चर दे ले बेंजिन बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ देता है कि बेंजिन का सूत्र क्या है यानी बेंजिन का फॉर्मुला क्या है सी सिक्स एच सिक्स C6, H6. एक ऐसा बेंजीन होता होता है 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 भाई देख लेते हैं देखिए यही यही का स्ट्रक्चर क्या ना में 6 कार्बन, होता है। कार्बन होते और हाइड्रोजन भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाइड्रोजन जुटे हुए हैं कार्बन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कि को हम कह सकते है कि वो भी है क्या है सेचुरेटेड भी और अनसेचुरेटेड भी है ठीक है यानी बेंजीन सेचुरेटेड भी है और सेचुरेटेड भी और अनसेचुरेटेड भी है इज दैट क्लियर अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है आगे देखिए क्या है हाँ अब देखिए यहां पे ये बात लिखा हुआ है मैं इसको समझाता हूं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे देखिए कहने का क्या मतलब है समझिए यही केमिस्ट्री की जान ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेगा आपसे आप याद कर लीजिए एल केन क्या पढ़ेंगे अभी पहले एल केन ठीक है फिर देखेंगे एलकीन प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा एलकीन फिर होता है एलकाइन काइन एल सबका फॉर्मूला क्या होता है एल केन का फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन एलकीन का सी एन एच टू एन एलकाइन का भी सी एन एच टू एन इस बात से अरे आप समझिएगा कि सबका है जो फॉर्मूला सेम ही है क्या ना सबका सेम नहीं है थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है अब देखिए डिफरेंट क्या है भाई देख लेते हैं डिफरेंट यही है कि पहले वाले में नीचे वाले में दो है जो जुट जाता है इसमें कुछ नहीं जुटता है और इसमें घट जाता है दो ठीक है अब आपको याद कैसे रख सकते हैं इस चीज को देखिए हम आपको बताते हैं याद रखने का तरीका एलकेन इसके सफिक्स पर ध्यान दीजिएगा पीछे वाला पार्ट पर ठीक है एलकेन एलकीन एलकाइन केन कीन काइन केन कीन काइन तो कीन रहेगा तो जोड़ देना है कीन रहेगा तो कुछ नहीं करना है काइन रहेगा तो दो घटा देना है ठीक है इस फॉर्मूला को समझ लीजिए ठीक है याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दो तीन बार लिखिएगा याद हो जाएगा देखिए कैसे अब यही पर बात बताया हुआ कि कार्बन फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेचुरेटेड कहने का मतलब कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है कार्बन की संख्याओं पर डिपेंड करता है उसका नामकरण कैसे देखिए समझते हैं कार्बन के नंबर्स पे डिपेंड करता है उसके नाम कैसे जब कार्बन का डिजिट वन होगा जब कार्बन का नंबर वन होगा तो उसको मेथ बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों मेथ बोलते हैं ठीक है जब दो रहेगा तो क्या बोलते हैं एथ तीन रहेगा तो क्या बोलते हैं प्रोप ठीक है वहीं चार रहेगा तो क्या बोलते हैं इधर कर देता हूं वहीं अगर चार अरे क्या हो गया और अगर चार कार्बन्स रहेंगे तो क्या बोलेंगे ब्यूट क्या बोलेंगे ब्यूट पाँच रहेगा तो क्या बोलेंगे पेंटा क्या बोलेंगे पेंटा छ रहेगा तो क्या बोलेंगे हेक्सा क्या बोलेंगे हेक्सा सेवन रहेगा तो क्या बोलेंगे सेप्टा क्या बोलेंगे सेप्टा वही कार्बन की संख्या एट हो गया तो हम उसको बोलेंगे ऑक्टा क्या बोलेंगे ओक्टा नौ कार्बन रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको नैनो दस रहेगा तो क्या बोलेंगे डेका क्या बोलेंगे डेका इज दैट क्लियर देखिए अब इसको स्क्रीनशॉट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको दो तीन बार पढ़ लीजिएगा ना जैसे ए रहेगा एक कार्बन की संख्या रहेगा अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ दो रहेगा तो एथ तीन रहेगा तो प्रोप चार रहेगा तो ब्यूट पांच रहेगा तो पेंटा छः रहेगा तो हेक्सा सात रहेगा तो सेप्टा आठ रहेगा तो ऑक्टा नौ रहेगा तो नैनो दस रहेगा तो डी का इज दैट क्लियर अब देखिए अब यही बात यहाँ पे लिखा हुआ कहा गया हम्म कहना है क्या क्या मतलब है मिथेन, इथेन कैसे बना वो फॉर्मूला बताते हैं आपको देखिए जैसे यहां एक लिखा हुआ मिथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ मी मीथेन मी तो इसके थोड़ा सब मेथ पर समझिए मेथ को अगर समझ आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो सर अगर मेथ है मेथ का मतलब एक होता है कार्बन की संख्या एक तक तो कार्बन की संख्या तो एक लेंगे एन की जगह पे ठीक है यहाँ पे मैं थोड़ा और इेंज कर देता हूं कार्बन की संख्या कितना है? एक हो गया कोई बात नहीं गलतियां तो होती ही रहती है हाँ, ठीक है देखिए क्या लिखा हुआ सी वन अब इसको मल्टीपल करेंगे करेंगे अब इसको और और नीचे ले चलते हैं थोड़ा सा सी वन का तो वैल्यू लिखते हैं नहीं है सी तो फोर ठीक है CH4 फोर फोर क्या है मिथेन का फॉर्मूला है CH4 फोर क्या है मिथेन का फॉर्मूला है तो हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे बनाया बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने पीछे वाला प्रिफेक्स को देखा सॉरी सफिक्स को देखा आगे कार्बन की संख्या निकाल लिया ठीक है अब इस तरी इसी फार्मूला से आप है जो सारा यहाँ पे जितने भी दिया हुआ मेथेन एथेन देखिए एथे तो दो कार्बन हो गया प्रोप हो गया तो तीन कार्बन हो गया ब्यूट हो गया तो चार कार्बन पेंटा हो गया तो पाँच कार्बन हो गया इस तरह से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर तो क्लियर एकदम हो जाएगा ठीक है देखिए उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ ठीक है अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा अगर आपको फॉर्मूला लिख देगा कि सी एच फोर का इसका सी एच फोर का आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए तो कार्बन है ही इसका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या करेंगे बना देंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख कर दिए तो नीचे चलो हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन रख दिए इस तरीके से सब बनाते चल जाएगा दो कार्बन है तो देखिए दो को रख दिया फिर ऊपर नीचे सब हाइड्रोजन का सेट कर दिया तीन है तो इस तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप्स क्या है ठीक है तो फंक्शनल ग्रुप समझने से पहले हम लोग समझते हैं हेट्रो एटम्स क्या होता है हेट्रो एटम्स क्या होता है हेट्रो एटम समझा देते हैं हम आपको हेट्रो एटम क्या समझने वाले हैं हेट्रो एटम्स हेट्रो एटम क्या होता है जब कार्बन जब चेन बनाते रहता है तो कार्बन तो हमेशा हाइड्रोजन लेता है कार्बन क्या लेता है कार्बन तो हमेशा हाइड्रोजन लेना चाहेगा क्या लेना चाहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो भाई हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे जगह नहीं बचा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन अब क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन को न लेकर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लिया ठीक है जिससे ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया यहाँ पे तो हाइड्रोजन आना चाहिए था क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है तो हाइड्रोजन ना के कुछ ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया तो इस टाइप के कंपाउंड को ही इस टाइप के आइटम को ही हम लोग हेट्रो आइटम कहते हैं जो बाहर से आके जुट गया है ठीक है इज़ दैट क्लियर यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है समझने की कोशिश करते हैं बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज द देलोजेंस देखिए हेलोजेंस कौन से होते हैं हेलोजन्स जो हेलो ग्रुप्स जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है ये सब आता है ऑक्सीजन हेलोजन्स हो गया ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन हो गया सल्फर हो गया इन हाइड्रोकार्बन चेन्स वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स वैलेंसी ऑफ द कार्बन रिमेन्स द सेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ कार्बन उसका क्या हो सके सेटिस्फाइड हो सके कैसे जैसे यहाँ पे इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड होने के लिए यहाँ पे तो चाहिए ना कुछ तो चाहिए जुटने के लिए तो कुछ वो हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमिन को डाल दिए वही कहना चाह रहे हैं ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेट्रो एटम जो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है वो एटम उसी को ना हम लोग हाइड्रो एटम कहते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है फंक्शन ग्रुप हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे ठीक है देखिए ये बहुत ही सिस्टमेटिक क्लास चल रहा है ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही वीडियो में डेढ़ घंटा में सारा चैप्टर को पढ़ा दिया जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बनहाइड्स कम्पाउंड जो है एक से डेढ़ घंटा में वीडियो में पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए बहुत ही डिटेल से समझा के ठीक है जब भी जब भी आप क्लास जाते होंगे पढ़ने के लिए तो एक दिन में थोड़े ना सब चैप्टर ख़त्म कर देते होंगे ठीक है तो उसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना पड़ता है ठीक है तो उसको ध्यान से पढ़िए सीरीज बाय और सीक्वेंस बाय मेरा यकीन है ठीक है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर बहुत ही क्लियर हो जाएगा ठीक है ओके फ्रेंड्स गुड नाइट जय हिंद जय भारत